Hello and good afternoon students and my friends. Today I am going to tell you about creating and saving HTML document. कैसे create करते हैं और हम कैसे save करते हैं हमारा HTML document. First हम create करते हैं through notepad. ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे notepad बना लिया है. इस notepad के through हम इसके अंदर कुछ टैग्स यूज़ करेंगे. उस टैग को कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें नोटपैड कैसे खोलना आना चाहिए. हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे हमारे कंप्यूटर के, ठीक है, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, उसके बाद एक्सेसरीज, फिर हमारा नोटपैड, फिर टाइप करेंगे एचटीएमएल कोड. ऐसे एचटीएमएल कोड टाइप करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एचटीएमएल, फिर उसके बाद लिखते हैं एचटीएमएल हेड, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं टाइटल पेज, फिर उसके बाद हेड, फिर देन बॉडी, देन वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया, देन बॉडी, देन एचटीएमएल. सबसे पहले एचटीएमएल टैग लिखा, फिर उसको हेड फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा टाइटल, टाइटल में लिखेंगे इंट्रोडक्शन पेज, फिर हमने टाइटल पेज हमारा क्लोज कर दिया, ठीक है, फिर हमने हेड टैग को जहाँ से स्टार्ट किया फिर उसको क्लोज़ किया, फिर उसके बाद हमने लिखी बॉडी, बॉडी में लिखा वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपनी बॉडी को क्लोज़ किया, देन हमने एचटीएमएल टैग को क्लोज़ कर दिया. ये हमने एक सिंपल नोटपैड की आपको बताइए कैसे बनाना है, ठीक है. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सेव कैसे करना है, ठीक है.